है गाइज़, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लाइट इफेक्ट कैसे अपने ड्राइंग्स में ऐड कर पाएंगे। सो सबसे पहले तो आपके ड्राइंग पिक्चर में ये डिसाइड करना होता है कि जो आपका लाइट इमर्जिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा। देन उसके बाद हमें लाइट इंटेंसिटी के बारे में सोचना पड़ता है कि कहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी, कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो जहाँ से इमर्जिंग पॉइंट होगा, जो भी इमर्जिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर ज़्यादा होगा, और उसके बाद जितनी दूर जाएंगे वहाँ पर कम होता चला जाएगा। वैसे तो इफेक्ट ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं जो बताने वाला हूँ वो पिक्सआर्ट ऐप्स की हेल्प से हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको एक फ़ोटो डाउनलोड करनी है जो इस तरीके के इस सॉलिड टेक्सचर्स में होगी। उसके बाद अपने फ़ोटो को पिक्सआर्ट ऐप में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ऐड फोटोज़ में जाके आपको जो दूसरी सॉलिड कलर वाली फ़ोटो होगी उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको इतना जूम करना है कि जिससे आपकी ओरिजिनल फ़ोटो पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जाए। आप ओपेसिटी देख सकते हैं, उसके साथ मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इरेजर से आपको पूरी तरीके से फ़ोटो को इरेज कर देना है, जितने अभी फोटो हो गए पूरा अच्छे से इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद आपको रिस्टोरिंग ब्रश का सेटिंग एडजस्ट करनी है, उसकी ओपेसिटी, हार्डनेस या साइज़ किस बेसिस पे करना है वो आपको अपने बेसिस फ़ोटो के साइज़ के बेसिस पे कर लीजिएगा। आप मेरी साइज़ देख सकते हैं मैं कितना कितना किया हुआ हूँ। यहाँ पर ओपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम की है क्योंकि यहाँ पर मुझे उसके जो ओरिजिनल फ़ोटो थे उसके भी जो एजेज हैं, सारी लाइन से, सारी फाइन लाइन से सारी चीज़ें उसको अपीयर होती रहीं, इसलिए मैंने अभी बहुत ही कम ओपेसिटी की हुई है। उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। जस्ट बिकॉज लाइट नीचे कॉलर से आ रही है तो उसकी वजह से जो जॉ लाइन होगी वहाँ पर ग्लो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर 100% ओपेसिटी के साथ वर्क कर रहा हूँ। थोड़े बहुत इधर उधर लाइन हो जाएगी, उसको हम बाद में इरेजर से इरेज कर लेंगे। उसके बाद सारी लाइन्स को मैं देख सकते हैं अच्छे से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर लाइट्स आ रही थी पहले से ही फ़ोटो में। जो ब्लैक एंड वाइट हम फोटो बनाते हैं उसमें भी शेडोज़ को हम अच्छे से ऑब्जर्व करके बना देते हैं, तो इसमें यहाँ पर पता है कि नीचे से जो लाइट आएगी जहाँ यहाँ पर ही अच्छे से ग्लो करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर दिया हूँ। उसके बाद जितनी भी बाहर एक्स्ट्रा लाइट्स जो हमारी हो गई थी एडिट करते समय, उसको हम इरेजर के हेल्प से इरेज कर देंगे। और ध्यान रखेंगे उसकी हार्डनेस 0 हो या फिर बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि हार्डनेस क्या होता है कि आपकी जो एजेस बनते हैं लाइन के या इरेजर का, जो साफ करने के इरेजर का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से लाइट बाहर निकलते हुए अपीयर होती रहती है, कोई शार्प एज नहीं बनते। उसी तरीके से अब हमें नोज के लिए भी वर्क करना है। नीचे साइड में हम ज़्यादा ग्लो करेंगे, अपर साइड में कम ग्लो करेंगे। इन सब इफेक्ट्स को यूज़ करने के लिए हमें लाइट और उनकी डायरेक्शन का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि किस साइड से लाइट इफेक्ट पड़ती है। एक तरह से आपको शैडो बनाना आना चाहिए, शेडिंग करना आप अच्छे से जानते हैं, तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपको पता होगा लाइट इफेक्ट किस तरीके से किस वे में वर्क कर रही है। इसके बाद 100% ओपेसिटी के साथ मैं कॉलर को रिस्टोर कर रहा हूँ। 100% इसलिए क्योंकि ये ही हमारा पूरा इमर्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट ग्लो करनी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो उसके कॉर्नर से सारे एजेज हैं वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा 100% ओपेसिटी के साथ वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पर मैं बहुत ही कम ओपेसिटी के साथ वर्क करूँगा, क्योंकि जो हमारे जो मेन इमर्जिंग पॉइंट थे वो कॉर्नर थे। सो कॉलर का जो भी कॉर्नर था वहाँ से मेन लाइट निकल रही थी, उसके अलावा जो भी बीच वाले पॉइंट होंगे वहाँ पर थोड़ा लाइट वर्क करूँगा, जिससे कि सारी ओपेसिटी अच्छे से, लाइट इफेक्ट अच्छे से अपीयर होता रहे। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको अगर थोड़ा सा भी एडिटिंग आती होगी, फ़ोटो एडिट करना जानते होंगे, तो ये सब सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं सारी चीज़ें मैंने पूरी क्वांटिटी दिखाई हुई है कि मैंने किस साइज़ पे कितनी ओपेसिटी और कितनी हार्डनेस के साथ कौन सी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, रिस्टोर यूज़ कर रहा हूँ, बस दो ही चीज़ तो मेनली मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद लाइट इफेक्ट जो थी नीचे से निकल रही थी, इसलिए मैंने हेयर्स पर ऐसे दिखाया हुआ है कि भाई नीचे से जा रहा है, तो थोड़ा जो हेयर्स बाहर निकले हुए हों वहाँ पर भी थोड़ी लाइट आएगी, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर मैं इरेज भी कर दे रहा हूँ, यही थोड़ा फ़ायदा है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप टूल्स वाले ऑप्शन में जाके आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, डार्क चाहिए या फिर लाइट चाहिए, उसी बेसिस पे आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लीजिए और आपकी फ़ोटो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड ड्रॉप अ फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।